मैंने एक एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बच्चा गोद लिया था किसी व्यक्ति ने, और वो बालक जो है विदेश तक चला गया, ऊंचा उठा, और उसका जिसने गोद लिया था वो बाप बिछुड़ गया था। फिर उसने लौट के इंडिया में आकर के बहुत ढूंढा, लेकिन अब उसका बाप मिला नहीं। जिसने गोद लिया था वो बाप, वो मिला नहीं। लेकिन जब उसने मंदिर बनवाया ना, तो मंदिर में ठाकुर जी की जगह अपने बाप की फोटो रखी। एक दिन क्या हुआ, शहर में वो लड़का घूम रहा था और उसे वो बाप मिल गया। फिर वो घर लेके गया, बहुत रोया। जब वो बाप मिला और जब रात को रुका और सुबह जब मंदिर में पूजा कर रहा था वो पत्नी के साथ में बेटा, और जब पूजा करते समय जब वो बाप वहां गया और मंदिर में अपना फोटो देखा ना, तो रो पड़ा। बोले बेटा, ये मंदिर में भगवान की फोटो रखी जाती है, हम लोग तो इंसान हैं। तो उस बेटे ने क्या कहा पता है, पिताजी मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा, मैं नहीं जानता भगवान क्या होता है, मैंने तो आपको देखा, आपकी गोद को देखा, आपकी उंगलियां पकड़ करके जो मैं चला ना, मैंने कहां देखा भगवान। तो मेरे लिए जो भगवान है मैं उसी की पूजा कर रहा हूं, और मैंने इसी भगवान के लिए मंदिर बनाया है। अब मुझे इस भगवान के मंदिर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान मुझसे कहीं खो गया था, इसलिए मैंने मंदिर बनवाया। अब तो भगवान आ गए हैं ना, अब मंदिर को आज मैं बंद कर दूंगा। काश सब औलाद ऐसी हो जाए ना, तो स्वर्ग इस धरती पर उतर करके स्वयं आ जाएगा। काश ये भाव संतान के जग जाए ना, तो वैकुंठ भारत की धरा पर लोटा लोटा फिरेगा चरणों में। जन्म देती है माँ, ओ जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो मार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। आपके ख्वाब हम आज हो कर जवां, उस परम सत्य से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे
रहती दुनिया तलक एक पल ना रहे हम जिनके बिना।